गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 13 ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट ऑफ क्लास 7. द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिग्निटी ऑफ लेबर मींस कार्य की गरिमा. एवरी वर्क इज रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड एंड इम्पॉर्टेंट. नो वर्क इज स्मॉल. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ वन लुक्स एट इट एंड डज इट वर्क. इट वर्क शुड बी डन ऑनेस्टली. हर एक काम कोई भी हो सम्मानीय होता है, गरिमापूर्ण होता है और महत्वपूर्ण होता है. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. ये इंसान के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि वो अपने काम को किस तरीके से देखता है और उसको कितनी ईमानदारी से पूर्ण करता है. इन दिस स्टोरी यू आर गोइंग टू सी हाउ हार्ड वर्किंग वॉज द बॉय. इस कहानी में आप देखने जा रहे हैं कि यहाँ जो लड़का है वो कितना मेहनती है. सोहन लाल वॉज अ रिच क्लॉथ मर्चेंट हु लिव्ड इन वेस्ट बंगाल. ही हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ बिग हाउस, कार. ही हैड टू सन्स, राजेश एंड रमेश. ही लव्ड हिज सन वेरी मच. रमेश वॉज हिज एल्डर सन एंड राजेश द यंगर. सोहन लाल पश्चिम बंगाल में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा अमीर कपड़े का व्यापारी था. उसके पास बहुत सारा धन था, बड़ा बंगला था, कार था. उसके दो बेटे थे, एक का नाम राजेश रहता है और एक का रमेश. वो अपने दोनों ही बेटों को बहुत प्यार करता था. उनमें से रमेश जो था वो बड़ा वाला बेटा था जबकि राजेश छोटा था. बोथ ऑफ देम हैड डिफरेंट नेचर. हिज एल्डर सन रमेश वॉज वेरी लेजी, वेयर एज हिज यंगर सन वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट. दोनों ही अपने उनके जो व्यवहार थे, उनका उनकी जो प्रकृति थी, दोनों बिल्कुल अलग थे एक दूसरे से. बड़ा बेटा रमेश जो था वो काफ़ी ही आलसी था जबकि छोटा बेटा वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला और ईमानदार था. सोहनलाल केप्ट वॉन्डरिंग दैट हु वुड कंटिन्यू हिज बिजनेस आफ्टर हिज डेथ. ही ऑलवेज हैड टेंशन इन हिज माइंड थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. वन डे ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप. नाउ रमेश बिकम मोर केयर फ्री. ही बिगन टू स्पेंड हिज मनी लैविशली. बट ऑन द अदर हैंड हिज यंगर ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट. एवरी डे आफ्टर स्कूल ही यूज टू कम्प्लीट हिज होमवर्क एंड देन ही वुड गो टू मंगूज वर्कशॉप. सोहन लाल जो रहता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित रहता है कि या फिर वो बहुत ही परेशान रहता था कि उसकी उसके बाद उसके कार्य को कौन संभालेगा, उसके बिज़नेस को कौन आगे लेकर के जाएगा. और ये सोच करके वो हमेशा परेशान रहता था और टेंशन में रहता था. वो हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता था. तो एक दिन क्या होता है, वो सोते सोते ही उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है. अब रमेश उसका जो बड़ा बेटा रहता है वो और भी स्वतंत्र हो जाता है. अब वो अपने पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति को, पैसे को खुले हाथों से खर्च करता था. मतलब बिल्कुल भी पैसे बचाता नहीं था, वो उड़ाता था पैसों को. जबकि उसका जो छोटा बेटा था वो समझदार था, बुद्धिमान था. तो वो क्या कर रहा था, हर रोज़ स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करके वो मंगू की दुकान में जाया करता था. मंगू वॉज अ पॉटर. ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज ब्यूटीफुल पॉट्स एंड यूटेंसिल्स. मंगू एक पॉटर, यानी हिंदी में पॉटर को बोलेंगे, एक स्टूडेंट्स आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड इन हिंदी. आप समझ लो जो मिट्टी के बर्तन, कुम्हार. पॉटर मीन्स कुम्हार. तो कुम्हार जो मंगू एक कुम्हार रहता है. वो पूरे गांव में अपनी सुंदर बर्तन और मटकों के लिए जाना जाता था. राजेश वॉच्ड हिम वेरी क्यूरियसली वर्किंग ऑन द पॉटर्स व्हील. राजेश सॉ हाउ मंगू मूव्ड हिज फिंगर एंड थम्स टू गिव शेप टू पॉट्स एंड यूटेंसिल्स. राजेश जाया करता था उसके दुकान पे. वो मंगू को बड़े ही ध्यान से उत्सुकतापूर्वक देखा करता था कि वो जो कुम्हार है वो किस तरीके से चकरी पे मिट्टी को रख करके किस तरीके से जो चला रहा है, कैसे अपनी उंगलियां उसको एक प्रॉपर आकार देने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए बर्तन को अपनी उंगलियां किस तरीके से चला रहा है, वो उसको देखा करता था. वन डे व्हाइल मंगू वॉज वर्किंग ही आस्क्ड, सन यू कम हियर एवरी डे एंड वॉच मी टू मेकिंग पॉट. डू यू वॉन्ट टू लर्न दिस ऑल. तो एक दिन मंगू उससे जब काम कर रहा होता है तो वो पूछता है कि बेटा तुम रोज़ आ करके मुझे देखते हो ये बर्तन बनाते हुए, क्या तुम भी ये चीज़ सीखना चाहते हो.
Yes, Rajesh replied. Mangu was very happy to teach him how to make pots and utensils. Now every day after returning from school, Rajesh went to Mangu's shop to learn how to make pots. तो राजेश रिप्लाई करता है कि हाँ, अब मंगू बड़ा खुश हो जाता है उसे सिखाने के लिए. वो अब रोज़ उसके दुकान पे स्कूल से आने के बाद जाता था और मंगू से बर्तन बनाने सीखा करता था. वन डे हिज एल्डर ब्रदर रमेश सॉ हिम वर्किंग विद द पॉटर. ही गेट अनॉयड एंड इंसल्टेड. ही गेव अ गुड स्कोल्डिंग टू हिज यंगर ब्रदर. ही सेड, राजेश, आरंट यू अशेम्ड ऑफ डूइंग सच अ डिसग्रेसफुल वर्क. At this, Rajesh said, My dear brother, to me no work is smaller or big. You must do the work honestly. Here should be you, not your. Corrected. Maybe this small work can be fruitful to you in future. तो फिर एक दिन उसका बड़ा भाई रमेश जो रहता है वो उसे कुम्हार की दुकान पे काम करते हुए देख लेता है. तो उसे वो बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी खूब बेइज्जती करता है अपने छोटे भाई की. वो कहता है कि राजेश, तुम्हें शर्म नहीं आती इस ऐसे तुच्छ काम करते हुए, छोटे काम करते हुए? तो इस बात पर राजेश कहता है कि भैया, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे कितने ईमानदारी से करते हैं. तो फिर उसका जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है कि हो सकता है कि ये छोटा का राजेश कहता है सॉरी जो छोटा भाई है वो कहता है कि हो सकता है कि आगे चल कर के ये छोटा काम ही मेरे लिए बहुत ही फलदायी हो और मेरा भविष्य बन जाए. अ फ्यू ईयर लेटर राजेश बिकम अ परफेक्शनिस्ट इन द फील्ड ऑफ पॉटरी. ही बिकम फेमस इन ऑल द नियर बाई एरियाज. हिज ब्यूटिफुल यूटेंसिल्स फेच अ वेरी गुड प्राइस एट ऑल. हिज यूटेंसिल्स वर ब्रॉड बाई रिच एंड रेप्यूटेड पीपल इन एंड अराउंड हिज प्लेस. कुछ साल बाद राजेश जो रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है इस मिट्टी की कारीगरी में और उसके बाद वो बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है. दूर दूर तक के क्षेत्र में लोग उस आते थे उसके यहाँ से बर्तन लेने के लिए और बहुत ही बड़े बड़े लोग भी इसके यहाँ से बर्तन लेने आते थे मिट्टी के. द फेट ऑफ द टू ब्रदर्स चेंज्ड. The life of Ramesh was ruined as one day a big fire broke out in Ramesh's godown. All the cloths, raw materials and everything got burned. He lost each and everything he had. He went to his younger brother and said, Brother, what will I do now? I have lost everything in the fire. How am I going to earn my living? I don't know any other work. फिर कुछ दिन बाद दोनों के भाग्य बदल जाते हैं. क्या होता है कि बड़ा भाई जो रहता है रमेश उसके गोडाउन में आग लग जाती है और सारे कपड़े जल जाते हैं और उसके पास जो कुछ रहता है सब खाक हो जाता है. तब वो परेशान हो जाता है और जाता है अपने छोटे भाई के पास. वो कहता है कि भाई, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और अब मैं क्या करूं? मैंने आग में सब कुछ खो दिया है और मैं अब अपनी आजीविका कैसे कमाऊँ और मुझे और कोई काम करना भी नहीं आता. राजेश वॉज अ लविंग एंड हेल्पिंग ब्रदर. ही सेड, डोंट वरी ब्रदर, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू, आई विल टीच यू द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड रमेश ऑल्सो बिगन टू लर्न पॉट मेकिंग. ही वर्कड हार्ड एंड ही हैड टू बिकम एन एक्सपर्ट पॉट मेकर. ही ओपनड हिज ओन शॉप एंड अपॉइंटेड मेनी पॉटर्स. ही सेड टू हिज ब्रदर, नाउ आई अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ लेबर. वर्क इज वर्शिप. राजेश जो था वो बहुत ही अच्छा दयालु हृदय का था तो वो अपने भाई से बोलता है कि परेशान मत हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा ये मिट्टी के बर्तन बनाना. तो उस दिन से ही रमेश जो रहता है वो भी बर्तन बनाना सीखना शुरू कर देता है. कुछ ही समय में वो भी एक्सपर्ट हो जाता है पॉट मेकिंग में. उसके बाद वो अपना खुद का दुकान खोल लेता है और वो खुद बहुत से पॉटर को अपॉइंट करता है. उसके बाद वो कहता है कि अब मैं कार की गरिमा को समझ चुका हूँ और कार ही पूजा है. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट आंसर. नंबर वन, सोहन लाल वॉज अ डैश. आंसर इज रिच क्लॉथ मर्चेंट. सोहन लाल हैड टू सन्स, रमेश एंड राजेश. सोहन लाल्स एल्डर सन वॉज वेरी लेजी. आफ्टर स्कूल राजेश वुड गो टू Answer in Mangu's shop. Rajesh went to Mangu's shop to learn how to make pots.
Who said to whom? Number one, do you want to learn this art? It is said by Mangu to Rajesh. Next, aren't you ashamed of doing such a disgraceful work? Said by Ramesh to Rajesh. Next, my dear, to me no work is small or big. Said by Rajesh to Ramesh. What will I do now? I have lost everything in the fire. Said by Ramesh to Rajesh. Write true or false. Number one, Sohan Lal lived in East Bengal. It is false. He had two sons. True. Both the sons were active and intelligent. It is false. Mangu was a farmer. False. Ramesh spent his money lavishly. True. Writing fun. A. Arrange these words in alphabetical order. These are arranged in alphabetical order. First will come business, then different, famous, merchant, potter, rich. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.